ये पूरा मामला जो है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह का मामला है। मंगलवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, जिसमें आरएससी की जो जवान है, महिला जवान जो है, उन्होंने जो जायरीन है एक उनके साथ में धक्का मुक्की जैसी घटना दिखाई दे रही है वीडियो के अंदर। और इस पूरे वायरल वीडियो के ऊपर मामला बढ़ गया, और मामला बढ़ने के बाद में आपको बता दें कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जिस भी जायरीन को दरगाह में प्रवेश करना होता है उसको आरएससी जवानों की सुरक्षा से होकर गुजरना पड़ता है। गेट से जब एंट्री होती है तो आरएससी जवान उनकी तलाशी लेते हैं, और तलाशी के बाद ही उनकी अंदर एंट्री होती है। और इस एंट्री के दौरान ही जो जायरीन है, इन जायरीन के पास में एक प्लास्टिक का खिलौना मिला था। उस प्लास्टिक के खिलौने पर आरएससी की जो महिला जवान है उसने आपत्ति दर्ज कराई थी, और उस आपत्ति के दौरान जो मामला है वो बढ़ गया था। और इस दौरान जो जायरीन है उन जायरीन ने आरएससी के जवान के साथ में कुछ गाली गलौज जैसी घटना को भी अंजाम दिया, जिसके बाद में मामला बढ़ गया। और जायरीन और कुछ खादिम जब एक साथ वहाँ पर आए, समझाइश की, और उसके बाद में मामला शांत हुआ। इस पूरे मामले में अजमेर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर पूरा मसला क्या है, क्या मसला प्लास्टिक खिलौने का ही है या फिर कुछ और मामला है। इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। इस पूरे मामले में अजमेर दरगाह के जो सीईओ हैं उनका भी बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि अजमेर की दरगाह के अंदर कुछ खादिम के गुट ऐसे हैं जो पुलिस की सुरक्षा को वहाँ से हटाना चाहते हैं, पुलिस सुरक्षा के खिलाफ नकारात्मक माहौल पैदा करना चाहते हैं, इसीलिए इस तरीके की घटनाएँ सामने आती है। लेकिन इस पूरे मामले में आरएससी महिला जवान के साथ में जो अभद्रता जायरीन ने की है उसको लेकर भी एसपी बहुत सख्त हैं। एसपी ने तुरंत प्रभाव से जांच के आदेश दे दिए हैं।